एके बार तो लास्ट में पार्टी की गाइडलाइन इनकी आज एके की जर्नलिस्टिक राइफल, आज एके की जर्नलिस्टिक राइफल क्या कह रही बहुत जल्दी एके बार तो लास्ट में पार्टी की गाइडलाइन इनकी आज एके की जर्नलिस्टिक राइफल, आज एके की जर्नलिस्टिक राइफल क्या कह रही बहुत जल्दी। एके मिश्रा जी पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पत्रकारिता में और टीवी पत्रकारिता में इलेक्शन को एक अलग नजरिए से देखने की ख्याति इन्हें प्राप्त है। एके मिश्रा का कहना था मैनिफेस्टो आ जाते हैं, वादों की झड़ी लगा दी जाती है, लेकिन वादे अगर पूरे नहीं हो उस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए क्या, उस पर भी कोई जुर्माना या फिर हर्जाना जैसी कोई प्रावधान हो क्या? एके मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है, अब सबकी बातों को सुन चुके हैं। एके मिश्रा जी जरा ये बताइए घोषणा पत्र में जिस तरह के वादे होते हैं चाहे वो कांग्रेस का है बीजेपी का है वोट बैंक में तब्दील हो पाते हैं क्या वादे? 55,000 सीआरपीएफ में पद खाली पड़े हैं वो भर नहीं पाए। एके मिश्रा जी इन लोगों से क्या बात करूं? देखिए रचना मैं आपको बताऊं, आप और राशिद ने बड़ा सही नब्ज पकड़ा है और जितने हमारे ये प्रवक्ता मित्रगण बैठे हैं मैं देख रहा हूं सब इधर उधर भाग रहे हैं, सही तर्क पॉइंट पे बात नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं चाहे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो ये संकल्प पत्र नहीं है। अरे चाचा जी नमस्कार नमस्कार। चाहे बीजेपी हो बीएसपी हो कोई भी हो ये संकल्प पत्र नहीं है। मैं आपको बताऊं अगर राशि साहब ने पूछा राम जन्मभूमि पे तो उसी तो बात होगी। अरे राम जन्मभूमि नहीं प्रश्न दूसरा है राशि चाचा, आप भाग रहे हो। राशि चाचा अभी प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा है रचना मैम ने। चाचा भतीजे अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए रचना मैम ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, आप सुनते क्यों नहीं हो? रचना मैम ने शुरू किया है, आप जरा अटेंटिव होके बैठा करिए। आप देश के जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जी, गुजारिश कर रही गुजारिश है, बंसल जी पूछ सकती है। हाँ ठीक है मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल पूछा है जवाब ले लेते हैं। कान में तेल डाल के मत बैठा करिए, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है घोषणा पत्र पे मैं वही जवाब दूंगा। मुझसे राम मंदिर पे पूछा जाएगा तो मैं जब मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ आप लोगों की तरह, ठीक है पूछा जाएगा आप बोलेंगे बी ठीक है तो लेट मी अलाउ टू एनालाइज। ठीक है रचना मैम देखिए मैं इस चीज इस घोषणा पत्र को जो ये लोग संकल्प पत्र बोल रहे हैं मैं इसको संकल्प पत्र नहीं मानता हूं। ऊपर टाइटल है संकल्प पत्र लेकिन ये विकल्प पत्र ही है, सारे विकल्प हैं। जैसे भाजपा में अभी आप लोग ही बता रहे थे भाई अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे राम मंदिर बनाएंगे इस हिसाब से होगा उस हिसाब से होगा, ऐसे ही सारे और इतिहास उठा के देख लीजिए घोषणा पत्र में इतने 70 साल चुनाव हुए हैं सबसे बड़ा लॉजिक ये है इतनी पार्टियां और सारी पार्टियों का घोषणा पत्र आप उठा लीजिए अगर 10-20% 25-50% भी अपने लोगों ने अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया होता ना गलती से भी तो आज देश ये जो भारत देश है सोने की चिड़िया बन गई होती। अब ठीक है 5 साल मेरा मानना तो ये है ना एके, एके मेरा मानना तो ये है ना कि एक कानून ये भी बनना चाहिए कि अगर चुनाव में आपने वादे पूरे नहीं किए ना तो फिर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली राशि। देखिए होना ये चाहिए लिया जाएगा ये घोषणा पत्र लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। 120 करोड़ सांसदों की जो तनख्वाह है वो काट ली जाए, 120 करोड़ के साथ ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि वर्बली देखिए होता क्या है आपने घोषणा पत्र में बोल दिया। मैं सारी पार्टियों को बोलता हूँ भाई बीजेपी बोल दे घोषणा पत्र में मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बोल दे कि मैं भारत से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूंगा जो रावण नहीं कर पाया स्वागत है। कोई बोल दे कि मैं भारत से मक्का तक आपको हज यात्रा करने के लिए 6 लेन की सड़क बना दूंगा बुलेट ट्रेन स्वागत है। साहब आप उसको पूरा करो, अगर आप बोल के पूरा नहीं करते हो किसी चीज को तो वो एक छलावा है, इसीलिए मैंने इसको विकल्प पत्र बोला है संकल्प पत्र नहीं बोला। ठीक है राशिद एक चीज मुझे और बोल लेने दीजिए 2 सेकंड के लिए। राम मंदिर की बात बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी, देखिए मैं आपको बता दूं राम मंदिर बने या ना बने इंक्लूडिंग बीजेपी बीएसपी ये सब मैं जल्दी से बताता हूं। मुझे लगता है ना जैसे 4 वेद पुराण रामायण महाभारत गीता इतने ग्रंथ है ना, इस देश में एक नया ग्रंथ और बनने वाला है अथ श्री राम मंदिर निर्माण कथा ओके मिश्रा का कहना था मैनिफेस्टो आ जाते हैं वादों की झड़ी लगा दी जाती है लेकिन वादे अगर पूरे नहीं हो उस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए क्या, उस पर भी कोई जुर्माना या फिर हर्जाना जैसी कोई प्रावधान हो क्या? अनीता अग्रवाल जी जवाब आप देना चाहेंगी? जी बिल्कुल देना चाहेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर के लिए मैंने पहले बोला है कि एक ही राजनीतिक दल है जो कि उसका समर्थन करता है। कांग्रेस पार्टी कह रही राजीव गांधी के समय ताला खोला था, राजीव उनके समय ताला नहीं खुला था, ताला कोर्ट द्वारा नहीं। ठीक है
अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी सुनिए ना, अनीता अग्रवाल जी मान लिया, अनीता अग्रवाल जी मान लिया कि आपकी पार्टी राम मंदिर का इतिहास की एक बात बोल रही है। एक बार लास्ट पार्टी की गाइडलाइन आज एके की जर्नलिस्टिक राइफल, आज एके की जर्नलिस्टिक राइफल क्या कह रही है बहुत जल्दी। एक बार लास्ट पार्टी की गाइडलाइन आज एके की जर्नलिस्टिक राइफल, आज एके की जर्नलिस्टिक राइफल क्या कह रही है बहुत जल्दी। एक बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं, 120 130 करोड़ लोग हैं और ये पॉलिटिकल पार्टियां टोटल लगभग 1,500-2,000 हैं, 2,000-6,000 नेता होंगे, 500 सांसद हैं। ठीक, इतनी बड़ी ब्लैकमेलिंग ये लोग करते हैं घोषणा पत्र के हिसाब से, पॉलिटिकल विनोद बंसल जी अगर 32 शब्दों में मैं आपको कहूं राम मंदिर के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प पत्र